मिशन देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। जिले की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के इनामी सातिर चोर को किया गिरफ्तार। सातिर चोर कई जगहों से वाहन चोरी की घटनाओं को दे चुका था अंजाम। खुटार के कुंभिया मापी गांव में चला बाबा का बुलडोजर। पानी की टंकी की जमीन पर भूमाफियों ने किया था कब्जा। बुलडोजर की मदद से हटाया गया अतिक्रमण। आगामी निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने बिसात बिछाना की शुरू। समाजवादी पार्टी ने चुनाव को लेकर की खास बैठक। तनवीर खां बोले, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे निकाय चुनाव। और कल ईद के मौके पर होने वाली नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियों को किया मुकम्मल। एसपी एस आनंद का कहना, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नज़र। त्यौहार के दौरान माहौल खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। खुटार क्षेत्र के कुंभिया माफी गांव में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। यहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल के लिए प्रस्तावित पानी की टंकी के लिए भूमि को चयनित किया गया था, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। लगातार की गई शिकायतों के बाद राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया। बंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 15,000 के इनामी सातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुनासिर नाथ मोड़ के पास से सातिर वाहन चोर विवेक को गिरफ्तार किया है। विवेक ढकना लैया गांव का रहने वाला है। जीएफ कॉलेज के छात्रों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से कॉलेज के ही छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज के बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र रजत मिश्रा साथी छात्रों को परीक्षा में नकल कराने, प्रैक्टिकल और मौखिक में अच्छे नंबर दिलाने का प्रलोभन देकर सुविधा शुल्क की मांग करता है। छात्रों का ये भी आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर वह परीक्षा में फेल कराने की धमकी देता है। अल्लागंज पुलिस ने जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हजारों रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरदोई जिले से सटे जंगल में जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विनीत, धीरेन्द्र, हरीशपाल, नासिर, आनंद, श्रवण, पंकज, सुखपाल और पचदेवरा के रहने वाले नरवीर को गिरफ्तार किया है। गन्ना विकास परिषद रोजा परिक्षेत्र की सर्किल भावलखेड़ा के गांव सलिया और बसुलिया में गन्ना सर्वे कर रही टीमों का औचक निरीक्षण खुशीराम जिला गन्ना अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा किया गया। सर्वे के दौरान उपस्थित किसानों से बात की गई। किसानों को अवगत कराया गया कि सर्वे के समय अपने खेतों पर उपस्थित रहकर गन्ना सर्वे कराएं तथा पेराई सत्र में सट्टा संचालन के लिए अनिवार्य रूप से अपना घोषणा पत्र ऑनलाइन भरें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क करें। गन्ना सर्वे में लगी टीमों को निर्देशित किया गया कि सर्वे के दौरान पौधा, पेड़ी गन्ना, गन्ना किस्म, बुआई समय, पौधशाला, प्रदर्शन ट्रिप व सह फसली प्लाट होने पर उसका विवरण सर्वे में दर्ज करें। जिन किसानों ने पहली बार गन्ना की फसल बोई है, उन्हें अपनी गन्ना समिति से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के उपरांत ही वह चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति कर पाएंगे। मदनापुर पुलिस ने फाइन क्वालिटी की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने तस्कर परितोष और शैलेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई है।
साथ ही पुलिस को अभियुक्तों के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकदी भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि तस्कर कई जगहों पर अफीम की तस्करी कर रहे थे। निगोही क्षेत्र के पतराजपुर संविलियन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अभिभावकों और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षकों द्वारा घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक किया गया कि जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष पूरी हो चुकी है उनका स्कूल में दाखिला अवश्य करा दें। हिंदू युवा वाहिनी ने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को बंद कराने के लिए आवाज उठाई है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आज तेलहर SDM राशि कृष्णा को ज्ञापन देते हुए क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि खनन के पूरे खेल में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी विषाद बिछाना शुरू कर दी है। आज समाजवादी पार्टी के बिजलीपुरा स्थित कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक जिलाध्यक्ष तनवीर खान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व विधायक राजेश यादव, ददरौर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश वर्मा, पुआया विधानसभा के प्रत्याशी उपेंद्र पाल और सपा महासचिव रणंजय सिंह यादव सहित कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल ईद के मौके पर होने वाली नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। तस्वीरें तिलहर क्षेत्र की हैं। यहां पुलिस क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने पुलिस बल के साथ ईदगाह पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी उमेश सिंह सोलंकी भी साथ में मौजूद रहे। अर्बन मलेरिया फाइलेरिया कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ओमकार नाथ शुक्ला आज सेवानिवृत्त हो गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यहां सभी साथियों ने फूलमाला पहनाते हुए ओमकार नाथ को सभी ने शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। विदाई समारोह का आयोजन डॉक्टर लईक अहमद अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कलान पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 9 चोरी हुई मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। पुलिस को पता चला था कि चौरा बग्गर का रहने वाला सातिर चोर बंटू जल्लापुर चौराहे से गुजरने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने बंटू को रोकने की कोशिश की तो बंटू ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सातिर बंटू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी प्रमोद भागने में कामयाब रहा।